ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास का बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में तीसरी ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग की शुरुआत इंदौर में हो चुकी है। 3 दिन तक ये मीटिंग चलेगी। इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने द्वीप प्रज्वलित करके किया। इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर शिवराज सरकार पहले ही दिन करोड़ों रूपये फूंक चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये इन्वेस्टर्स मीट के पहले ही दिन साबित हो गया। प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश के सभी छोटी जगहों पर बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, जिससे वहां छोटे उद्योग लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हकीकत इससे उलट है। प्रदेश की जनता बिजली और पानी की समस्या से परेशान है। प्रदेश के कई जिलों में, कई इलाकों में शाम होते ही बिजली गुल हो जाती है। लेकिन प्रदेश सरकार झूठे वादे कर इन्वेस्टर्स को प्रदेश में निवेश करने के लिए लुभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। एक और तो प्रदेश की बीजेपी सरकार एफडीआई लाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर विदेशी इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में पैसा लगाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। 3 दिन तक चलने वाले इन्वेस्टर्स मीट में बीजेपी सरकार की एक और लापरवाही सामने आई है। इन्वेस्टर्स मीट के कार्यक्रम के लिए फायर ब्रिगेड से एनओसी भी नहीं लाई गई है, यानी अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार होगी। में 5 होम काउंसिल्स हैं और सारा एमएसएमई के बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।